दोस्तों, क्या हो जब आपको कोई ऐसा पेशेंट आपके वार्ड में या सड़क किनारे मिल जाए जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो उसकी जान बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आज की क्लास में हम एक ऐसे मेडिकल प्रोसीजर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कि आप किसी व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं। हाय एवरीवन, मायसेल्फ रजत and you are watching the booster career point. Let's get started. Suddenly pieces are back together now. What's your vision? दोस्तों, आज हम जिस प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन या CPR। आप में से हर किसी ने इस प्रोसीजर को अपनी लाइफ में एक न एक बार तो जरूर देखा है। इस प्रोसीजर को इमरजेंसी कंडीशन में परफॉर्म किया जाता है ताकि किसी भी पेशेंट की जान बचाई जा सके, इसीलिए इसको लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी बोला जाता है। इस प्रोसीजर का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि किसी भी पर्सन की बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को, जो कि हार्ट और लंग्स को, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है, वो भी तब तक जब तक मेडिकल हेल्प नहीं पहुंच रही। या दूसरे शब्दों में बात करें तो ये हमारी बॉडी के लंग्स और हार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करा के ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई बनाए रखने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोला जाता है। CPR देने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जिससे कि हमें यह पता लग सके दैट द पेशेंट इज रियली रिक्वायर्ड द प्रोसीजर और नॉट। इस बात का पता लगाने के लिए पेशेंट का असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट के असेसमेंट में मेनली दो बातों पर ध्यान दिया जाता है, सबसे पहला पेशेंट का रेस्पॉन्स और दूसरा पेशेंट की पल्स। पेशेंट का रेस्पॉन्स पता लगाने का जो मेन एम है वो यही है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। पेशेंट का रेस्पॉन्स पता लगाने के लिए हम शेक एंड शाउट मेथड यूज कर सकते हैं। शेक एंड शाउट मेथड में हम पेशेंट से जुड़ी किसी भी बात को आंसर करने के लिए बोल सकते हैं। बहुत सिंपल सा, हम पेशेंट का नाम पूछ सकते हैं, पेशेंट की एज पूछ सकते हैं और पेशेंट कहाँ का रहने वाला है इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर पेशेंट इन सारी बातों का जवाब दे रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट कॉन्शियस है और हमें फर्दर प्रोसीजर के लिए नहीं जाना। अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो हम फर्दर मूव करेंगे और पेशेंट की पल्स चेक करेंगे। पेशेंट की पल्स चेक करने के लिए हम कैरोटिड आर्टरी का यूज करेंगे। कैरोटिड आर्टरी जो कि हायोइड बोन के 2 इंच लेटरल एस्पेक्ट पर मौजूद होती है। अगर पेशेंट पल्सलेस है तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और CPR को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ बताना या पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।